महिला ने ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दरअसल जनपद के थाना भगतपुर क्षेत्र के मजरा निवासी सीमा पत्नी हरिओम की शादी थाना भगतपुर क्षेत्र के रोशनपुर बहेड़ी में एक वर्ष पूर्व हुई थी। तभी से महिला को दहेज के लिए पति हरिओम, ससुर परवीन, देवर सोभीर, नंद मंजू, जेठानी निशा सभी प्रताड़ित करते हैं। वहीं महिला ने बताया कि 18 मार्च को वो और उसके पति हरिओम के साथ होली खेलकर अपनी ससुराल आई। वे दोनों जैसे ही घर में घुसे, घर जाते ही पति हरिओम ने गाली गलौज करते हुए मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे पीड़िता के हाथ पैरों में बहुत चोट आई। साथ ही बताया कि शादी के बाद पति कभी चार पहिया तो कभी प्लॉट की मांग करके घर वालों को फोन कराते थे तथा किसी न किसी बात को लेकर मारपीट करते रहते थे। साथ ही बताया कि ससुराल में उसका कोई भी पक्ष नहीं लेता है, उल्टा सभी उसके साथ अभद्रता करते हैं। उसके बाद पीड़ित महिला के पिता उसे अपने घर ले आए, तब से महिला अपने पिता के घर पर रह रही है। कहाँ की निवासी हो? मंजरे की। अच्छा, कहाँ हुई थी आपकी शादी? रोशनपुर बहेड़ी। कब हुई थी? 29 अप्रैल। अच्छा, किसके साथ हुई थी? हरिओम सिंह के। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटना घटी है सारी? मारपीट। किस बात को लेकर मारपीट करते थे? प्लॉट के ऊपर। क्या क्या मांगते हैं दहेज में? सब मांगा दहेज के ऊपर, गाड़ी। अच्छा, सरस मोटरसाइकिल गाड़ी सभी। अच्छा, तो जब आप, कब से मारपीट हो रही है आपके साथ? शादी से भाई दो महीने सही रही थी मैं। अच्छा, उसके बाद मारपीट शुरू हुई। मारपीट चालू हो गई थी। तो आपने उसके बाद जो है कई कार, अब जब कब मारपीट हुई थी आपकी लास्ट बार? होली को हुई थी। होली के बाद आप जो आपने फिर क्या करा? फिर मेरा यहाँ को बुला लिया पापा को। अच्छा, बुला के फिर लिया यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करा? फिर थाने गए थे। कौन सा थाना पड़ता? भगतपुर। अब महिला की मांग है कि उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए।